हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनाउत। और आज हम बात करेंगे कि जो ग्राम स्टेनिंग के बारे में बात कर रहे थे अपन, तो पिछले वीडियो के अंदर अपन ग्राम स्टेनिंग की जो प्रोसीजर है उसका वो देखा था। चार तरह के स्टेप के अंदर उसका जो प्रोसीजर था वो कंप्लीट होता है। इस वीडियो के अंदर अपन देखेंगे कि उसका ऑब्जर्वेशन और उसके प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उसके ऑब्जर्वेशन के बारे में, फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे उसके प्रिंसिपल के बारे में इस सेम वीडियो के अंदर, करेक्ट। तो जानते हैं कि उसका ऑब्जर्वेशन किस तरह से होता है। तो जो ग्राम स्टेन की अगर बात की जाए तो वो बैक्टीरिया को दो तरह के ग्रुप में डिवाइड करता है, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, करेक्ट। अब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की अगर बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव की बैक्टीरिया होती है जो सेल वाल होती है वो एक तरह का लिपिड की बनी होती है। कहने का मतलब ये है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वाल होती है उसके अंदर मैक्सिमम पोर्शन होता है, 90% पोर्शन की अगर बात करें तो पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, और जो ग्राम नेगेटिव की बैक्टीरिया की जो सेल वाल होती है उसके अंदर मैक्सिमम पोर्शन है वो लिपिड का होता है, करेक्ट। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की अगर अपन जबी भी बात करें तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की तो ये इसकी खास बात ये है कि ये डिकलराइजेशन नहीं हो पाता, करेक्ट। और जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की अगर बात करें तो ये क्या है, डिकलराइजेशन हो जाता है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि द बैक्टीरिया रेजिस्ट डिकलराइजेशन, द बैक्टीरिया आर डिकलराइजेशन, ये तो डिकलराइजेशन नहीं हो पाता और ये डिकलराइजेशन हो जाता है, करेक्ट। और जब हम कोई भी किसी भी तरह की जब मतलब प्राइमरी स्टेनिंग करते हैं तब इसका जो कलर है वो कलर रिटेन हो जाता है, मतलब जो एक एब्जोर हो जाता है जब क्रिस्टल वॉयलेट डालते हैं, और ये एक तरह का वॉयलेट का वॉयलेट ही रह जाता है, मतलब इसका कलर चेंज नहीं होता, करेक्ट। और जबकि अगर इसकी ग्राम नेगेटिव की बात करें तो जब इसके ये डिकलराइजेशन हो जाता है तो जब इस पे हम एल्कोहल डालते हैं तो एल्कोहल डालते हैं फिर उसके बाद में जब इसकी काउंटरिंग स्टेन करते हैं अपन, तो काउंटरिंग स्टेन करने के बाद में ये एक हमें रेड कलर का और एक पिंक कलर का स्ट्रक्चर है वो दिखता है। जनरली पुराने वीडियो के अंदर मैंने दिखाया था आपको कि आपको दिख रहा होगा वहां पे रेड, तो वास्तव में रेड और पिंक दोनों ये कलर शो दिखाई देता है, बट मैंने वहां पे आपको बताया था कि मैक्सिमम अगर बात की जाए तो पिंक कलर हमें दिखता है, करेक्ट। दूसरी अगर बात की जाए तो कहने का मतलब ये है कि जो ग्राम पॉजिटिव कोकाई की जो एग्जांपल है वो है निमोनोकोकाई, स्टेप्लोकोकाई और स्टेप्लोकोकस, और ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई के जो एग्जांपल है वो है कोलोस्ट्रिडियम और कोनिबैक्टीरिया, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो एग्जांपल है ग्राम नेगेटिव कोकाई के एग्जाम्पल है गोनोकोकाई और एक मेनिंगोकोकाई, और ग्राम नेगेटिव बेसिलाई के एग्जाम्पल है इकोलाई, सल्मोनेला और सिंगेला और विब्रियो कोलाई, ये एग्जाम्पल है आपको याद होने चाहिए, करेक्ट। तो आप याद कर लेना, एक दो बार पढ़ोगे ना यार तो याद हो जाएंगे, करेक्ट। अब बात करते हैं उसके प्रिंसिपल के बारे में, ध्यान से देखिएगा ध्यान से सुनिएगा कि प्रिंसिपल होता क्या है। मैं बता देता हूँ, मैं पहले थ्योरेटिकल पोर्शन बताऊंगा, मतलब मैक्सिमम थ्योरेटिकल पोर्शन ही है इसका, तो पहले मैं थ्योरी पढ़ूंगा, थ्योरी की रीडिंग लगाऊंगा और फिर मैं उसको सारे का सारे को एक हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, तो देख लेना आप ध्यान से देखिएगा। तो मैंने क्या कहा, प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं पर। तो अभी इससे पहले मैंने कहा था ऊपर कि जो ग्राम पॉजिटिव की जो बैक्टीरिया की जो सेल वाल होती है उसके अंदर मैक्सिमम पोर्शन पेप्टिडोग्लाइकेन की होगा, मतलब लिपिड की मात्रा बहुत ही कम होगी, और लिपिड की मात्रा कम है मतलब, और जो ग्राम नेगेटिव के अंदर लिपिड की मात्रा ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं शुरू में कि अगर बात की जाए, मैंने क्या कहा आपसे कि चाहे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो चाहे ग्राम नेगेटिव होगा, दोनों के अंदर लिपिड की कंटेंट की जो क्वांटिटी होती है, और बट अगर बात की जाए तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की अगर बात करें तो ग्राम नेगेटिव के अंदर जो लिपिड कंटेंट की जो क्वांटिटी होती है वो ज्यादा होती है इन कंपेरिजन करें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से, करेक्ट। और मैंने कहा अभी आपसे कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की अगर बात करें तो इसके अंदर लिपिड की मात्रा ज्यादा होगी, मतलब एक तरह की वैक्सी कोटिंग होगी, और वैक्सी कोटिंग होगी मतलब इसके अंदर जो लिपिड कंटेंट है वो की क्वालिटी बहुत ज्यादा होगी। और लिपिड की अगर बात की जाए तो लिपिड को हम ऑयल और वाटर से रिलेटेड करेंगे, और लिपिड लेयर है मतलब वो एक ऑयली है और फैटी होगी वो है,
फैटी लेयर होगी। फिर हम क्या करते हैं कि जब ग्राम स्टेनिंग की रिएक्शन की अगर बात करते हैं, तो अब ग्राम पॉजिटिव की अगर बात करें तो ग्राम पॉजिटिव के अंदर लिपिड की मात्रा कम है, मतलब उसके अंदर जो जो ग्राम पॉजिटिव की जो स्लाइड है उसके अंदर जो वैक्सी कोटिंग है वो कम होगी, करेक्ट। और जब वैक्सी कोटिंग कम होगी तो जो उसकी जो तो वो जो सेल वाल है उसको वो पेनिट्रेट कर जाएगी, करेक्ट। और जो सेल वाल को जब वो पेनिट्रेट कर जाएगी तो वो कॉम्प्लेक्स को एब्जॉर्ब कर लेगी, मतलब कॉम्प्लेक्स को एब्जॉर्ब कर लेगी, मतलब क्या है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी। और जब वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी जिसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स जो ट्रैप्ड हो जाएगी सेल वाल के अंदर, करेक्ट। और मैंने कहा कि ये ट्रैप्ड क्यों हो जाता है, ये ट्रैप्ड इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके अंदर वैक्सी कोटिंग है वो बहुत ही कम है, क्योंकि लिपिड तो ग्राम नेगेटिव के अंदर होता है ना, उसके अंदर तो बहुत ही कम ही मात्रा है। अगर कम है मतलब वैक्स के कंटेन जो कंटेन है वैक्स कंटेन वो कम है, अगर वो कम है इसकी वजह से कहने का मतलब वो वाटर वाटर को एब्जॉर्ब मतलब कहने का मतलब ये है कि इसकी वजह से वो वाटर को एब्जॉर्ब अगर मान लो जिसकी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, अगर वो वैक्सी कोटिंग होगा, अगर मैंने कहा कि अगर वैक्सीन कोटिंग होता, देखो ध्यान से सुनिएगा चीजों को, अगर वैक्सी कोटिंग होता तो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, करेक्ट। बट यहाँ पे एक वैक्सी कोटिंग नहीं है, अगर वैक्सी कोटिंग नहीं है तो वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा मतलब वो एक कॉम्प्लेक्स जो ट्रैप्ड हो जाएगा सेल वाल के अंदर, करेक्ट। ये तो है ग्राम पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये लिखा है कि जब हम कोई भी स्ट्रेनिंग करते हैं तो जब हम स्टेनिंग करते हैं तो स्टेनिंग के समय क्या होता है कि जो दोनों ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की अगर बात कही जाए तो दोनों ही जब स्टेनिंग करते हैं अपन, दोनों स्लाइड है तो दोनों की दोनों स्लाइड एक क्रिस्टल एक वॉयलेट कलर देगी, करेक्ट। बट ग्राम पॉजिटिव के अंदर तो मैंने बता दिया कि वो एक वैक्सी कंटेंट कम है, वैक्सी कंटेंट कम है तो वो कहने का मतलब कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब कर लेगी और जिसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स सेल वाल के अंदर ट्रैप्ड हो जाएगी, करेक्ट। बट अगर ग्राम नेगेटिव की अगर बात की जाए तो इसके अंदर क्या करते हैं कि जब हम डिकलराइजेशन डालेंगे उसके अंदर तो वो लिपिड की सेल वाल की अगर बात की जाए तो वो उसके अंदर जो एल्कोहल है वो एल्कोहल जब अप्लाइड करते हैं अपन तो ग्राम नेगेटिव के अंदर तो वो एल्कोहल की जो क्वांटिटी है ना वो डिजोल्व हो जाती है। और जब वो डिजोल्व हो जाती है, क्यों डिजोल्व हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर और जब डिजोल्व हो जाती है जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो पोर्स की जो साइज है वो बढ़ जाती है जब अपन डिकलराइजेशन करते हैं, मतलब ये हुआ कि जो कॉम्प्लेक्स बना वो पूरा का पूरा डिफ्यूज हो जाएगा, करेक्ट। और फिर जब कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा डिफ्यूज हो जाएगा तो कहने का मतलब ये है कि जिसे हमें एक फेर दिखाई देगा वो है कि नहीं, और वो कहने का मतलब वो ट्रैप्ड नहीं होगा है कि नहीं, जबकि ग्राम पॉजिटिव वाला ट्रैप्ड हो रहा था सेल वाल के। और ये फिर हम क्या करते हैं इसकी जो मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रेनिंग करते हैं, करेक्ट, वो सारी चीजें की जाती है। तो ये सब चीजें देखते हैं अपन प्रिंसिपल के अंदर, करेक्ट। तो इस वीडियो के अंदर अपन इतना ही देखेंगे कि मैंने क्या कहा आपसे कि फर्स्ट वाले वीडियो के अंदर मैंने प्रोसीजर के बारे में बात की थी आपसे और बताया था कि जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में किस तरह से कलर चेंज होता है और कौन कौन से जो इनके जो चार तरह के जो टाइप्स थे वो सारी चीज़ें बताई थी मैंने, और इस वीडियो के अंदर इसके ऑब्जर्वेशन और उसके प्रिंसिपल के बारे में बात की। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी, अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई मेडिकल स्टूडियो यूट्यूब चैनल, और इसके जो नोट्स है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा मैं, वहां से आप देख सकते हो, और मेरे फेसबुक पेज गुनाव 37 पे भी मैं नोट्स है वो डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट और इसके जो डाउनलोड भी कर सकते हो, और दोनों का ही जो नोट्स हैं उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। और आशा करता हूँ और जो भी मतलब नए हैं चैनल पे जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स को चैनल को शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब के लिए बोलें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।